बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आइए सुंदर साथ जी, हमारे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी के हृदय के कोमल भावों को सुनते हैं और अपने हृदय में उतार कर रहनी में उतारने का प्रयास भी करते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, दुष्यंत भैया से शुरू करना पड़ेगा। सुंदर साथ जी हैंड रेज कर लें तब तक जल्दी से। आज नए सुंदर साथ भी हैंड रेज जरूर कीजिएगा, कम से कम फ्यू, वन और टू सुंदर साथ नए भी होने चाहिए। अनीता त्यागी जी भी पहली बार दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सुंदर साथ जी। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल से शुरू करते हैं और आप सभी सुंदर साथ जरूर बताइएगा। केवल 2-2 मिनट बोलेंगे पर बहुत सारे सुंदर साथ बोलेंगे। हाँ जी श्रीनिवास अंकल। सभी सुंदर साथ के श्री चरणों में आज का जो हमारे श्री गीतक साहब का बुनियाद, गीतक की बुनियाद पर जो आज चर्चा श्रवण की है, इसमें ममता जी द्वारा की मीठा वाणी गायन, संबंध मूल को मैं तो पाव को छोड़ा मिल, अति सुंदर और मीठा भाव आज हमारी बहन सोनिया जी के द्वारा इतना सुंदर वर्णन किया गया है कि वो शब्द में नहीं कहा जा सकता। सब बहुत सुंदर लगा जो आपने एक उदाहरण पेश किया राजा के हाथी का, कि उसकी विल पावर ना होने के कारण वो उठ नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही उसने वो देखा कि भाई वो जिस शोभा के लिए था वो शोभा उन्हें सामने देखी बैंड बजते हुए, तुरंत ही वो उसने पूरी शक्ति लगा दी। तो ठीक है, ये हम पर घटित है कि हम सब सुंदर साथ की माया में कीचड़ की दलदल में लगे हुए हैं। तो यदि राजी महाराज की ये आवाज बैंड की जो है वाणी की रूपी बैंड की आवाज आएगा हमारे कानों तक सही रूप में आए, कार्य क्रियान्वयन होने शुरू हो जाए, तो हम सब सुंदर साथ भी उधर की तरफ दौड़, तो हमको भी उधर की तरफ जाना है। तो इंद्रावती जी द्वारा संपूर्ण आज की पूरी चर्चा के अंदर जितनी भी है कि उसमें हम सब सुंदर साथ के लिए जो वकालत करती है, इतना मीठा है कि उन्होंने कहा इनके दर्शन, हम सबको दर्शन दीजिए, अपने लिए नहीं क्योंकि वो तो अफसा में ले चुकी थी, हम सब सुंदर साथ को दर्शन दीजिए, हमसे बात कीजिए, उन्होंने सब सुंदर साथ को प्रदान कीजिए। आज की गीतक का जो वर्णन है वो निःशब्द है, अवर्णनीय है और अति मीठा, दर्द भरा, और इसको हम शब्दातीत कह सकते हैं, कोई शब्द मेरे पास नहीं। दुष्यंत भाई द्वारा सुंदर दर्द भरी अर्जी गायन दिल को छू गई, उनकी भी चरणों में और आपके भी धाम हृदय में बैठे युगल स्वरूप के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी, आपके चरणों में खूब खूब प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत अच्छा लगा। आयुषी आपने हैंड रेस किया, बहुत सुंदर। हम लवी से भी सुनेंगे, आशी दीदी से भी सुनेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साहब जी, आज एक बहुत अच्छी आपने सीख दी कि जैसे उस हाथी का पैर कीचड़ में था और वो निकलने की कोशिश नहीं कर रहा था, और जैसे ही ढोल नगाड़े बजे हाथी को लगा कि शायद सच में युद्ध होने वाला है और उसने कोशिश करी कीचड़ से निकलने की। तो इससे हमें भी एक प्रेरणा मिलती है कि जब धनी ने खुद इतना सब कुछ हमारे लिए दिया है, सब कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी अपना पैर उस कीचड़ से निकालें और बाहर आएं। आज सुबह भी जब मैं लंच बना रही थी हस्बैंड का, तो मैंने पापा जी से बोला कैमरा इधर मत करो, अभी मैं लंच बना रही हूँ। तो पापा जी ने मुझे एक बात बोली कि धनी से कुछ नहीं छिपा, अगर तुम लंच भी बना रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं है, कैमरा इधर कर सकते हो क्योंकि धनी से कुछ नहीं छिपा। और आज अच्छा लगा देख के कि अनीता आंटी जी से मेरी कल बात हुई थी, पापा जी ने उन्हें कहा कि खुशबू भी अब थोड़ा जुड़ गई है, आ गई है, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि बहुत अच्छा है बेटा, शुरुआत ऐसे ही होती है, और आज वो भी जुड़ी। तो मैं चाहूंगी आज वो भी अपने भाव रखे
क्योंकि वो मीटिंग जो है हमेशा सुनती हैं, पापा जी उनको लिंक भेजते हैं, रेगुलर वो ज्वाइन करती हैं बाद में और आराम से सुनती हैं, तो उनको भी मैं चाहूंगी कि वो अपने भाव प्रकट करें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। एक बात और बोलना चाहूंगी, दुष्यंत भैया जी ने जैसे अर्जी के टाइम पे बोला कि कर्कशवाणी पर ध्यान ना देके अर्जी के जो भाव हैं, जो शब्द हैं, उन पर हम ध्यान दें। कल मैं सोच रही थी, मैंने कहा पापा जी मैंने कभी सिंगिंग की नहीं, मुझे मतलब आता नहीं गायन, तो मैं कैसे पार्टिसिपेट कर लूं, कैसे तैयारी करूं। तो उनकी ये बात सुनकर मुझे लगा कि हमारी वाणी कैसी है, हम कैसा गा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शब्द हमारी वाणी के हैं, हमारी अर्जी है, तो उससे फर्क पड़ता है। मैं भी कोशिश करूंगी, तैयारी करूंगी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड दुष्यंत भैया। देखिए एक बात आपकी और मुकेश भैया की, कैसे उनके दिल को छू गई, और जल्दी हम आयुषी को सुनेंगे। यही तो है सुंदर साथ जी, प्रेम दिखलावसी, और प्रेम हमने बांटना है, प्रेम दिखलाना है। सारे सुंदर साथ, वाणी इतनी मीठी है, यहाँ के शरीर के तन की आवाज कैसी है, किसी की मोटी, किसी की पतली, किसी की और मधुर, पर क्या फर्क पड़ता है। मेरे धनी की वाणी बहुत मीठी है, उस पे हमने ध्यान देना है सुंदर साथ जी, और सबको खुशी मिले। मैंने भी गाया, मैंने भी रिझाया, मैंने इस तरह से भी रिझाया, मैंने इस तरह से भी किया। सारे सारे सुंदर साथ को किसी बहाने से खुशी बांट दें सुंदर साथ जी। ऐसे संसार में जो दुख का संसार है, एक एक खुशी भी बांटेंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा अपने हृदय को भी। बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छे। हाँ जी, अनीता त्यागी जी से मैं जरूर कहूंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही। प्रणाम जी। मुकेश भैया जी को तो मैं बहुत दिन से जानते हैं, हमारे रिलेटिव भी हैं, और आयुषी बेटी भी अपनी बेटी है, और मैं हमेशा ही भाई भाई से कहती हूँ कि मुझे भेजते रहा करो वीडियो, आपके पास जो भी है, जो भी कुछ आपके पास है मुझे जरूर भेजा करो, भेजते ही रहते हैं, और मैं बड़े आराम से सुनती भी हूँ, यहाँ तक कि मुझे जूम पे मीटिंग अटेंड करने वाले सबके नाम भी पता है लेकिन दुष्यंत भाई, मुकेश भाई, और ये मतलब ये देखो कि अनिल भाई, सबके पता है मुझे, मधु दीदी, सब कितना अच्छा बोलती हैं, कितना अच्छा लगता है, और बहुत अच्छी बात है हमारे बच्चे जुड़ रहे हैं आयुषी, कितना अच्छा। और कल तो इस छोटी सी बच्ची के कारण ही मैंने भी रात ये निर्णय ले लिया, लहसुन प्याज वैसे मैं ज्यादा नहीं खाती थी, लेकिन बच्ची डाल देती है तो कभी सब्जी खा ही लेती हूँ, और चाय तो मैं पीती थी दो बार, एक बार सुबह एक बार शाम, लेकिन कल रात से बिल्कुल बंद। रात मैंने बच्चों से बोल दिया ये मेरी लास्ट चाय है, आज के बाद कोई चाय नहीं। इससे दो फायदे होंगे, एक तो मेरा बीपी हाई रहता है तो वो कंट्रोल हो जाएगा, और दूसरा चाय बनाते हैं तो चीनी भी डलती है, आगे शुगर ना हो जाए उसकी भी टेंशन खत्म। और जो स्वामी जी बताते हैं और हम भी बैठते हैं रात को चितवनी में, या वो नहीं पहुंच पाते, नहीं ध्यान लगता मन वो, तो वो तो जो राज्य की मेहर होएगी वो तो होएगी ही होएगी इन चीजों को छोड़ने से, तो कल से एकदम स्टॉप। और आप तो दीदी इतना बस बता नहीं सकती कि कितना अच्छा समझा रहे हो, कितना मीठा बोलते हो, कितनी प्यारी आपकी बातें होती हैं, और जूम पे सबकी ही इतनी प्यारी, इतनी अच्छी बातें राज्य की मेहर से, बस बता नहीं सकती, आपकी बहुत मेहर है। हम जी अनीता दीदी, आपको यहाँ देख के हम पूरे परिवार को बहुत बहुत अच्छा लगा। यही तो हमारा डिवाइन फैमिली होती है ना सुंदर साथ जी, जो कब से साथ हैं हम सुंदर साथ, ये रिश्ते तो अभी अभी बने हैं, तो नूरी परिवार को जरूर खुश रखिए, जितने प्रयास जितनी सेवा कर सकते हैं ना इस परिवार में जरूर कीजिए। बहुत सुंदर, एक देखिए एक लवे कहते ना, एक बार आयुषी ने उनको बोला कैसे झट से छोड़ दिया उन्होंने। बहुत सुंदर आयुषी बेटा, आप तो आते ही इंस्पिरेशन सोर्स बन गए, राजी बहुत सेवा लेने वाले हैं आपसे। बहुत सुंदर अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब कुसुम आंटी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज की जो शुरुआत थी
वही बहुत सुंदर थी। ममता दीदी ने बहुत बढ़िया भजन गाया, वाणी गायन किया। और दुष्यंत भैया के बारे में तो क्या कहें, वो तो ऑलराउंडर है। वो तो ये कह ही नहीं सकते कि मेरी वाणी मतलब आवाज अच्छी नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो ऑलराउंडर है। और सोनिया दीदी आपके बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, आप तो सर्वा सर्वा, आपको तो मुझे लगता है आपके अंदर बैठ के सरकार श्री या स्वामी जी ही बोल रहे हैं, हमें ऐसा ही महसूस होता है। और इतनी ज्ञान देते हो आप, हमें इतना ज्ञान देते हो। आज की सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि हमें इंद्रावती ने तो हमारी तरफ से वकील बन के उनको सब कुछ बता दिया, लेकिन अब हमारा कर्तव्य है कि हम उनको पूरा करें, यानी वाणी का मंथन करें, चिंतन करें और चर्चनीय उसको सीखे और उस लक्ष्य को हम प्राप्त करने की पूरी पूरी कोशिश करें। प्रणाम जी। अरे वाह, बहुत सुंदर। कुसुम आंटी हमारे अमित भैया की मम्मी हैं, सुंदर साथ जी, वो खुद इतनी सुंदर चर्चा करते हैं। आप आशीर्वाद देने यहाँ पे आते हो, इतना प्यारा बोलते हो, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आपके तो हृदय में जस की तस अखंड हो जाती है सारी शोभा। एक लाइन एक एक शब्द बिल्कुल वैसा का वैसा ही, सुंदर साथ जी, धनी की मेहर है। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। उसके बाद मैं आशी दीदी को ही करने वाली थी और देखिए धनी ने उन्हीं से करवाया। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, आप मेरा नाम तो ले चुकी थी लेकिन मैं थोड़ी माया की तरफ भागती हूँ, मुझे शेयर करने की आदत है। मुझे लगा आज मैं बैठ के सुन के सब बोल के बाद में जाऊंगी शेयर करने, इसलिए मैंने हाथ खड़ा कर दिया, वरना मुझे मालूम था कि आप अभी मुझे कहोगे, गुस्ताखी माफ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, चर्चा रोज की रोज हमें इतना कुछ दे जाती है, अब हमें उस पर चलना है, चलना है, चलना है, यही भाव मन में रहते हैं। वाणी गायन ममता बहन जी ने शुरू किया, बहुत प्यारा वाणी गायन करा और ये सारे जूम के माध्यम का ही लाभ मिल रहा है हम सुंदर साथ को। ममता पहले नहीं गाती थी, अब जूम के माध्यम से ही गाना शुरू कर दिया, मंदिर में भी गाने लग गई हैं, बहुत अच्छा लगता है। और शुरू करा था, आज हमारे जो मंदिर में भी गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। और आज हमारा सुंदर शादी जो प्रसंग चल रहा, बुनियाद हमें सोनिया ने बहुत अच्छे से समझा दिया, हमारी बुनियाद क्या है, चर्चा वाणी सुनना, सुनना और उस पर अमल करना। क्योंकि श्री देवचंद्र जी और गांधी भाई का जो प्रसंग शुरू हुआ तो चर्चा वाणी तो सुना रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हम परम धाम से आए, राज्य मुझे ने क्या कैसे कैसे कहा, और इसी के प्रसंग में पूरी प्रकाश इंद्रस्थानी का वो जो लास्ट प्रकरण है वो हमें पढ़ा रही है। और ये बात पक्की हो गई है दिल में कि जैसे जैसे हम इस जागनी प्रमाण में अब चल रहे हैं, जैसे जैसे हम श्री जी तक चर्चा सुन रहे हैं, पूरी वाणी भी हमें सोनिया पढ़ाई देगी, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत आनंद आ रहा है सोनिया, सिंधी वाणी आप ले रहे हो, प्रकाश हिंदुस्तानी से पूरे प्रसंग लिए, नील भाई जी का भी बताया बहुत अच्छा डिटेल में बताया, उसी को दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे उसमें ये बात आपकी बहुत भा गई, जैसे आप हमेशा कहा करते थे ना, चांद कमल दीदी आती है हमें आशावादी बना देती है। उधर एक और भी जूम में हम जाते हैं, वहां भी वो कहा करते हैं, अभी चांद कमल दीदी हमें आशावादी बनाती है। तो आज आपने इतना प्यारा सेंटेंस बोला, वाणी चर्चा में हम जब आते हैं, सुंदर साथ जी एग्जैक्टली ऐसे बोला आज सोनिया ने कि जिनको धनी ने पकड़ लिया है, जाके धनी ने पकड़े हाथ, हम हमेशा जानते हैं जिनको धनी ने पकड़ लिया है, वाणी चर्चा में बिठा दिया है, उनके लिए धनी ने सोच लिया है कि इनको दर्शन देने हैं। मुझे ये बात अंदर तक घर कर गई, मुझे लगता है इस बात को मैं रोज बोला करूंगी, राज जी आपने कहवाया उसके मुंह से, आपने कहा था ना, तो मैं तो चर्चा वाणी सुनती हूँ, शुरू से सुनती हूँ, आज तक सुनती हूँ, तो मुझे ये बात पकड़ लेनी है। तो मैं राज जी से कहनी भी है, राज जी आपने कहा, अगर सुनिया ने कहा तो आपने कहा, बस आपने मुझके दर्शन देने, यानी कि इतना आशावादी बनाया और मुझे लगा इस बात के पीछे पड़ जाना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये भाव। और इसके बाद दुष्यंत भैया जी से मैं कहूंगी कि प्लीज जो आपने एक वर्ड बोला था ना, मेरी कर्कश वाने पे ध्यान ना दीजिएगा, उसको वापस ले लो, सब सुंदर साथ की तरफ से अर्ज विनती, उसको वापस ले लो, इतनी प्यारी अर्जी है, भावपूर्ण अर्जी आपने गाई और पिया, हम पिया के चरणों में बैठ के उनके रूबरू गा रहे हैं और आप तो हमें इतना देते हो अपने वचनों से, तो आप ये वाला शब्द वापस ले लो, बाकी जो हमें सब दे रहे हो
देते रहो, आपकी वाणी बहुत मीठी है, आपको पता नहीं किसी ने दिमाग में कहाँ से आ गया, आपको लागू नहीं होता। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आशी दीदी, आपका तो नाम ही आशा है, तो फिर ये आशाएं तो हमें आपने आगे से उसको वो किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, रिपीट करके वापस दिल में पक्का कर दिया, तो ये आशा यही सुंदर साथ से हमें मिल सकती थी, इसीलिए पिया ने उसको पक्का किया। प्रणाम जी, बहुत सुंदर दीदी, प्रणाम। हाँ जी लवी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम दी, प्रणाम सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। आज तो स्टार्टिंग ही बहुत अच्छी हुई थी, वो वाणी गायन मेरा फेवरेट वाणी गायन है, वन ऑफ द फेवरेट्स। संबंध मूल को मुख पाव पल छोड़ो ना जाए, ये कितना अच्छा, इसलिए भी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये जो वजूद है ये तो यहाँ का है ना, ये फिर लग जाता है माया में, फिर लग जाता है क्योंकि पूरा सुबह से लेके शाम तक कुछ ना कुछ लगा रहता है ना, बट कोई अंदर है वो जो जिससे जो बार बार खींचता है फिर से, वो फिर से घूम फिर के, या धनी खींचते हैं या ये खुद खींचता है, वो कहीं ना कहीं वो मूल का जो संबंध है ना, वो इतनी सी तार से भी जुड़ा रहे ना, तो वो कितना, वो बस वही है शायद जो वापस खींच लाता है, वापस खींच लाता है मूल का संबंध। तो वो वाणी में इतने अच्छे से कहा गया है और खुद को भी याद दिलाता है कि मैं बहुत दूर तक नहीं जा पाती, ऐसा होता है ना कि माया में बहुत दूर तक चले जाए वो थोड़ा सा भी निकलते हैं तो वो संबंध में खींच लेता है, तो वो बहुत, वो मुझे उसके लिए धनी को थैंक यू कहना है, उनके लिए धन्यवाद है कि उन्होंने जोड़ रखा है उससे, नहीं तो हमारी तो कोई वो नहीं की, हम तो इतने इतने कच्चे घड़े हैं कि कैसे ही निकल जाए, इतने कच्चे कि इतना सा मौका मिलता है फिर फंस जाते हैं, तो बहुत बहुत धनी को बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और दी आपका जो आपने आज चर्चा की है वो बहुत, वो रोज इतनी अच्छी है, वो नित नौतन वाली जो चीज है ना वो रोज बहुत अच्छी है। मैंने तो ये मम्मा का रिप्लेसमेंट में पहले दिन जिस दिन मम्मा गए ना तो मैंने सोचा आज एब्सेंट ना लगे क्योंकि वो फ्लाइट में थे, कि वो रोज ज्वाइन करते हैं बेनागा, तो मैंने सिर्फ इसलिए उस दिन ज्वाइन कर लिया था ऑफिस के साथ साथ, पर नेक्स्ट डे से पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं, मेरा ऑफिस होता है अब बिल्कुल पीक टाइमिंग्स है पर 3-4 दिन से ज्यादा काम नहीं है समहाउ, तो मैं कर पा रही हूँ तो पता नहीं कब तक चल पाएगा, पर आप जैसा कहते हैं ना कि वो करा लेते हैं, वो इतने घंटों का काम भी थोड़े में करा लेते हैं, तो मैं भी उसी उम्मीद में, और वो ही उनकी मेहर हमेशा है, मैं ही कच्ची हूँ, मुझे पता है कि उनकी मेहर में तो कोई कमी नहीं है, मैं ही कच्ची हूँ कि मैं इतना समर्पण नहीं कर पाती, पर चलिए देखते हैं कैसे कब तक मैं इसका सुख ले पाऊं, धनी ने चाह, मैं तो चाहती हूँ कि हमेशा रहे ये ऐसे, तो पर आपने जो जो आज चर्चा की है ना थी वो बहुत, उसको शायद रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं पर जो जो आनंद यहाँ है ना जब आप लाइव बोलते हैं वो बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है, मतलब उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता कि कैसे कैसे वो कैसी कैसी शिक्षाएं आती हैं। गांगजी भाई जी का जो गांगजी भाई सखी है देखिए कितना सुंदर उनका वो है, वो धनी को कैसे, उनके पास वो सौभाग्य था, अब हम सोचें हम यहाँ बैठ के हमें वो नहीं मिला, शायद हमारे जीव के उतने उतनी पहुंच नहीं थी कि जो गांगजी भाई के जीव की थी वो पहचान पाए, वो लेके आ पाए, उन्हें वो सौभाग्य मिला, पर मैं सोच रही थी कि हमारे लिए भी तो कुछ धनी ने रखा होगा ना, क्योंकि वो सबको इक्वली इक्वली रखते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा दे किसी को कम, तो इस जागनी ब्रह्मांड में हमारे लिए देखे हम, हमारे जीव कितने बुरे होते हुए भी इतने, बस मैं तो क्या बोलूं, निकृष्ट से निकृष्ट मेरा जीव, उनके लिए भी धनी ने क्या किया, धक्का मार के जगा रहे हैं, वाणी स्वरूप में आके बैठ गए, कांगजी भाई तो बुला के ले गए और हमारे यहाँ तो वांग्मय स्वरूप आके घर में आके बैठ गए, तो भी नहीं पढ़ी, बस है कि एक दिन पढ़ेंगे, मैं अपना बताती हूँ एक दिन पढ़ूंगी, पता नहीं कब आएगा वो दिन कि एक दिन पढ़ूंगी, तो भी वो राजजी महाराज ऐसे पीछे पड़े हैं कि वो नहीं होता तो आपके थ्रू उतरवाई, रास इतने मन में क्वेश्चंस होते थे पर टाइम नहीं था कि पढ़ लूं, टाइम नहीं था या मैं बोलूं मेरी कमी है कि वो नहीं निकल पाता,
तो फिर रास पर क्वेश्चंस आते थे कि धनी जी कैसी वाणी कैसी चर्चा करते होंगे, कैसी चर्चा करते होंगे, जब श्री जी चर्चा करते होंगे तब कहते थे सुंदर साहब डूब जाते हैं, धनी श्री देवचंद जी क्या चर्चा करते होंगे, राजनारायण महाराज जी क्या सुनाते होंगे महाराज जी को, कि महाराज जी इतने क्या मिल जाता था उन्हें उस चर्चा में जब वो उनके लिए गजरे और वो लेके जाते थे, तो बस वो क्वेश्चन आते थे, वाणी समझ ही नहीं आती थी, कि वाणी पढ़ी भी नहीं, जो भी पाठ की तरह बचपन से पढ़ लिया वो कभी समझ भी नहीं आई, पर आपके थ्रू धनी में कितने कितने मेहरबान है कि वाणी नहीं पढ़ सकती है तो अब ये जूम आया, तो हमें रास और ब्रज की वो बातें पता चली, तो मुझे लगता है शायद ये चर्चा जो गुज चर्चा थी जो वाणी में लिखी भी पर क्योंकि गुजराती में है हमें समझ भी नहीं आती, या फिर जीव उतना पक्का नहीं कि वो उतरती नहीं, तो कैसे ब्रज और रास के वो जो गुज थे वो आपके थ्रू बताए और अब ये बीता कैसे उतरवा रहे हैं, और अब ऐसे ही करके अगर वो सारे 14 के 14 ग्रंथ एकदम ऐसे अंदर उतर जाएं, तो मैं कह रही हूँ कि धनी कैसे हमारे अकॉर्डिंग ही उसको प्लान कर देते ना कि हमसे कुछ नहीं हो रहा है, तो अब वैसे वहां जाके ये कहने लायक तो नहीं हो कि मैंने कुछ किया, तो यही कहेंगे कि धनी आपने जबरदस्ती दे दिया करा दिया उसका आनंद दे रहे हैं, तो सब वही कर रहे हैं, सब वही करवा रहे हैं, सब कुछ उन्हीं का ही है, अपना कुछ नहीं, तो बस धन्यवाद देने के अलावा और नतमस्तक होने के अलावा मेरे पास तो कुछ नहीं धनी के आगे, क्योंकि मेरा इतना सा भी एफर्ट नहीं, इतना सा भी नहीं, सब वही कर रहे हैं, सब खुद से बस आनंद दे रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत प्रिविलेज्ड है कि कोई कसनी भी नहीं करी, इतने प्रिविलेज्ड है कि कोई कसनी भी नहीं करी तो भी वो इतना आनंद बरसा रहे हैं, तो कोटि कोटि प्रणाम है आप सभी के चरणों में, धनी के चरणों में, पता नहीं कब दिखेंगे कब मिलेंगे उसका इंतजार है, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और मामा जी के लिए बहुत सुंदर अर्जी गाय, बहुत सुंदर बहुत मीठा अर्जी गाय, मैं भी करूंगी एक दिन, अभी मैं अभी तक वो सेवा के लिए मैं नाम भी नहीं दे पाई हूँ, गला काफी मैं वेट कर रही हूँ कि ठीक होगा तो मैं दूंगी नाम, जिस दिन भी लगेगा थी उस दिन करते हैं, जिस दिन सेवा धनी ने लिखी होगी, अब तो ये भी उनके हाथ में, जिस दिन करवाएंगे तो करवाएंगे, उस दिन मैं बताऊंगी कि मैं गा पाई तो, पर मामा जी बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत सुंदर, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी, सॉरी थी बहुत लंबा टाइम लिया, सॉरी, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत, जिसका नाम ही लवी है, दूसरा नाम प्रीति है, जिसमें है ही प्रीति, जिसमें है ही लवी, तो फिर वो तो मीठा ही बोलेंगी, वो प्यारा ही बोलेंगी, सुंदर साहब जी गीता दीदी आए और ये उपहार लवी की झोली में डाल गए और लवी रूपी उपहार हमारी झोली में वो डाल गए, कहां मम्मी का रिप्लेसमेंट बन के बैठे थे और आज धनी ने ऐसा फंद में डाल लिया कि तुझे तो मैं इसीलिए खींच कर लाया था, ऐसे ही राज जी बहुत मेहर करें और ऐसे प्यारे सुंदर साथ जो होते हैं ना सुंदर साथ जी, अपने आप ही इल्म का विलास भी और प्रेम का अपने अंदर हृदय में घोल देते हैं और एक दिन स्वयं ही सामने आ जाते हैं, पता भी नहीं लगेगा, प्रणाम जी, पर वो दिन वो क्षण सुंदर साथ जी बस आने ही वाला है, निराश नहीं होना, बस पिया आने वाले हैं थोड़ा सा समय और, रोज चितवन में बैठेंगे, बहुत सुंदर लवी, प्रणाम जी, हाँ जी प्रवीण जी, प्रणाम प्रवीण भाई, प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी, आपकी चर्चा के बारे में तो निशब्द है, वो तो कल अच्छा था इससे आज अच्छा है, क्या बोलूं, कल की अच्छी थी आज की अच्छी थी वो तो धनी जाने, दूसरा दुष्यंत भाई ने जो बोला कि हर रोज, दुष्यंत भाई का नाम ही ऐसा है कि हर रोज जिसका दर्शन करने के लिए इंचार्ज होता है, दर्शन के लिए दुष्यंत भाई है, तो दुष्यंत भाई के भी तो कोई बात ही नहीं, उसका जो कर्कश आवाज नहीं है एक्चुअली ऐसे आवाज में ही वो अच्छे लगते हैं, इससे ज्यादा आवाज होगा तो फिर वो अच्छे नहीं लगेगी, तो जो नेचुरली कुदरत ने धनी ने दिया हुआ है वही, और अर्जी पे ध्यान रखना चाहिए वो भी सही बात है। दूसरा है कांजी भाई और देवचंद्र जी के बारे में जो प्रसंग आया उसमें, वो जब उसके घर ले जाके ले जाते हैं पूरे फैमिली को, फिर सेवा करते हैं, तो आपने बताया कि सेवा साल में 5-6 दिन करनी होती है, मंदिर में होती है, सरसावे में होती है, जो प्रसंग होता है इसमें तन मन धन से जो होता है वो करना चाहिए, वो सही बात है, सभी पार्टिसिपेंट्स को उसमें हिस्सा लेना चाहिए, करना चाहिए, जो जो जितना दिन हो सकता है इतना दिन पर जरूर करना चाहिए, वो एक
अच्छा लगा हो, क्योंकि वो इसके बिना तो सब कुछ, सुंदर साथ के बिना वो आगे बढ़ नहीं सकता है। किसी भी है, छोटी है बड़ी है, जो भी सेवा है वो करनी चाहिए और जाना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए, नहीं निकलता है तो मैनेज करना, करके भी कुछ करना चाहिए। तो वो अच्छा लगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर प्रवीण भाई, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बहुत सुंदर। दुष्यंत भैया, मैं आपको अनम्यूट कर सकती हूँ, आप हैं यहाँ पे? प्रणाम जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम, प्रणाम जी। क्या बोलूं, रोज जैसी अवस्था, जैसे लवी का स्वर रुंध रहा था बोलने में, वो राज्य का प्रेम है, वो राज्य का लाड़ है। आज का प्रसंग, आज की चर्चा, जो प्रारंभ में वाणी गायन हुआ, वो शब्द तो इंद्रावती जी ने बोले, सन्मंद मूल को उसे पाव पल छोड़ो ना जाए। लेकिन मेरा वजूद कब होगा ऐसा कि जो वो मैं संबंध पाव पल के लिए भी ना छोड़ सकूंगा, कब अवस्था मिलेगी? यहाँ तो माया में डूबे हुए हैं, उसी हाथी की तरह। जो इतना ऐसा अच्छा सुंदर दृष्टांत दिया सोनिया दीदी ने कि माया में हाथी, हाथी मतलब हमारी आत्मा कितनी बुजरक है, जिसकी सिफत करे अपनी लाडलिया लाहूत की, जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी, जाकी सिफत करे सुभान। तो सब ब्रह्मंगना है, सब सुंदर साथ जी, इनकी कितनी महानता है, कितना महिमा है कि जिनकी स्वयं राज्य प्रशंसा करते हैं, लेकिन माया में आके अपने को विवश मान के बैठ गई है, कीचड़ में धस गई है। लेकिन जब वो करनाए और वो सिंहनाद जब इस तरह का सूर फूका गया वाणी रूपी, तो उस हाथी को, वो तो हाथी खड़ा हो गया कि मुझे युद्ध में जाना है और करना है, और सिंह गरजना और सूर जो फूका गया तो हाथी खड़ा हो गया। लेकिन इतने साल से श्री जी ने वो वाणी रूपी करनाए गर्जनाए सिंहनाद कर दिया है, सूर फूक दिया है, लेकिन अभी भी ये जीव जगने का प्रयास कर रहा है, खड़ा होने का प्रयास कर रहा है। और वाणी में कहा, जब सूर फूके दूसरा तब हक देवे चिन्हाए, तो दूसरा सूर भी फूक गया है, तो राज्य की पहचान हमारा ये जीव कब करेगा, कब करेगा? ये मैं विचार अपने लिए, ये सिखापन राज्य की हर हर चौपाई ऐसी लगती है, मेरे लिए है, मेरे लिए है। तो इतना सुंदर दृष्टांत, और जो इंद्रावती जी का राज्य के संग मीठा वार्तालाप है, वो तो इतना मीठा है, इतना मीठा है कि सोनिया दीदी जी ने कल भी सुनाया, आज भी सुनाया, तो उसकी मिठास तो जू की तू, और ज्यादा, और ज्यादा। और मैं तो कहता हूं राजी इनके हृदय में बैठ के कहलाते हैं कि इतनी मिठास हो जाती है कि उस मिठास में खो जाते हैं और शब्द निकल जाते हैं कि क्या कहा। ये सब राजी की इतनी प्यार भरी लीला चल रही है, क्या कहूं। और जो नया हमारा यूथ है, जैसे हमारी आयुषी बिटिया, लवी बिटिया, इनके प्रसंग बहुत प्रेरणा देने वाले हैं सब सुंदर साथ के लिए। आयुषी बेटा के लिए बहुत सारा लाड, बहुत सारा आशीर्वाद, लवी के लिए बहुत सारा लाड, बहुत सारा आशीर्वाद। लेकिन इनके पीछे जो पर्दे के पीछे जो हैं हमारे मुकेश भाई, श्री जी की चर्चा में जब कोई सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ को ले आता था तो इतने प्रसन्न होते थे और ये कहते थे मैं क्या खिदमत करूं इनसो, ऐसा श्री जी महसूस करते थे कि मैं अपना सर्वस्व लुटा दूं कि ये दूसरे सुंदर साथ को चर्चा में लाए हैं। तो ऐसे प्रेरणा स्रोत हमारे मुकेश भाई, वो उन्होंने 2 साल से हिम्मत नहीं हारी, थोड़ा 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 प्रसंग करते रहे, और धीरे धीरे आयुष बिटिया का ध्यान आकर्षित हुआ और यहाँ पे प्रेम, उनके हृदय में जो प्रेम था वो प्रेम, और यहाँ के जूम के प्रेम से प्रेम जुड़ा, और वो अनिता त्यागी जी को भी उनको वो प्रेरणा स्रोत रहे। तो ये बहुत बड़ी बात, हम सब सुंदर साथ जी मुकेश भाई से प्रेरणा लें कि इसी तरह से सुंदर साथ और को भी प्रेरित करें। बहुत ही सुंदर प्रसंग रहा, और मैं ज्यादा कुछ प्रसंग के बारे में नहीं बोलूंगा, लंबा हो जाता है, मेरे में ये दोष है। मैं कहना चाहूंगा सुनिए दीदी कि किरण बहन जी, अनिल गोयल जी तो पहुंच गए हैं, अनिल भाई अपने दायित्व पर, लेकिन जब वो जुड़े तो मेरी रात उनसे बात हुई थी, तो सब सुंदर साथ बोलें, किरण दीदी भी बोलें,
तो उनको आप जब मिल दिखाई दें अनम्यूट करना। और क्या मैं सुंदर साथ जी के नाम लूं, सारे मेरे हृदय के इतने करीब। आवासी दीदी कई दिन नहीं बोली थी तो लग रहा था मिसिंग है, अब मुझे लग रहा है कि जो है ना चांद बहन मिसिंग है। हाँ चांद कमल जी वो मिसिंग हो रहा है, मैं फोन भी नहीं कर पा रहा हूँ, माया के भी काम ऐसे है ना, हाथी फंसा बैठा है। तो सबके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी, ये प्रेम रस से भरे हुए राज्य के सभी लाडले सुंदर साहब जी और हम जैसे मुर्दों को जीवित करने वाली सोनिया दीदी के हृदय में बैठे राज्य के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साहब जी। प्रणाम जी दुष्यंत भैया। हाँ जी जी, वो आपने कहा मैंने दर्शन नहीं किए, आपने कहा देव जी आए थे, तो देव जी और जो प्रबुद्ध और अति प्रबुद्ध जो भी सुंदर साहब जी आए हो खिड़की में जूम की या यूट्यूब पे, सभी के मैं नहीं देख पाया ना नाम पढ़ पाया, लेकिन सबके हृदय में मेरे राजीव बैठे हैं, सबके चरणों में फिर से प्रेम पढ़ा। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आज तो अर्जी बोलते हुए तो बड़े सुंदर सा दर्शन करने आए कि अरे वाह ये अर्जी भी बोलते हैं, ये भैया चर्चा की अर्चा तो इतनी सुंदर करते हैं, ये अर्जी भी इतनी प्यारी बोलते हैं, बहुत सुंदर सा दर्शन करने आए, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। कमलेश भाई अरे वाह वेरी गुड। प्रणाम जी ऐसे ही बोलिए सुंदर साहब जी, सभी दो दो मिनट। हाँ जी, बोलने के लिए नहीं आया, एक संशय था इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूँ कि लीलबाई जी में आतंक थी क्या? जरूर हुई होगी, तभी तो उनका उन्होंने पल राज्य लेने ही उसको आएंगे, राज्य किसी और को, राज्य अंगना के बिना किसी के पास आते ही नहीं, वो इतना प्यार करते हैं, उनका पल्ला कोई पकड़ नहीं सकता, पल्ला तो चलो फिर भी ये संसार दूर दूर से कर भी ले पर वो लेने नहीं आते किसी को, जरूर उनमें आत्म रही है तभी, और वो मांग भी कर रही है सबको दर्शन दो तब चलूंगी, तो वो मांग भी वही कर सकता है धनी से, और वो दर्शन भी उनको साक्षात दर्शन लिखा हुआ है भैया, साक्षात दर्शन किसी को नहीं दे सकते और सही है वो, क्योंकि गामजी भाई में तो धनी भाई की आदम थी, इसमें कोई नाम दिया है ऐसा? हाँ जी वो लवी बता रही हैं, अभी तक श्री बीतक साहब में अभी नहीं आया, आगे आएंगे वो सारे नाम आएंगे। हाँ जी लवी। प्रणाम। हाँ जी प्रणाम थी। प्रणाम भैया, लीलबाई जी में आत्म थी और उनका नाम भी है बीतक में, मुझे भी याद नहीं है पर मैं आज मैं कहीं मेरे ने लिखा भी हुआ है शायद, तो मैं आपको देख के बताऊं कि आज शाम तक, पर उनमें बहुत बहुत प्यारी उनमें लिखा भी उनके बारे में, बहुत प्यारी आत्म उनमें थी, धनी तभी धनी जी उन्हें लेने आए थे और उनके कहने पे सबको दर्शन भी दिए थे कि जब उनको लेने आए तो वो उनमें आत्म थी, बहुत प्यारी अंगना है वो हमारी। प्रणाम जी। आगे ना सारे देवचंद्र जी का के साथ जुड़े हुए परिवार के लोग, कबीला, जो जो आत्माएं जागी, बहुत सारे नाम और उनमें जो जो आत्म थी वो भी बीतक साहब के प्रसंग में भी आएगा भैया पूरा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए आप प्रश्न पूछ के ही बोल दिया करें, कुछ ना कुछ बोला कीजिए। प्रणाम जी। हाँ जी हाँ जी, हमारी प्रफुल्ला बेन। प्रणाम जी। इतनी मीठी मीठी है कि इसकी बानी सुनने में भी बहुत आनंद आता। तो मुझे तो ऐसा लगा कि आसपाई जी हमारी कुमत जी में बैठकर बीतक लिख रही है, पर ये प्रश्न तो गांधी भाई का नहीं है, आज हमारा मिलन धनी के साथ हुआ है, तो धनी हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, इससे हमें किस कौन कौन मिला? आज देखो हमारी जूम की सारी सखिया, जिसमें आयुषी सखी मिली, लवी सखी मिली, प्रवीण सखी मिली, इतनी सारी सखिया हमें, देखो हमारे साथ बातें करने के लिए कितनी व्याकुल होती है, तो हमें तो ऐसा लगता है कि रोज नए नए सुंदर साथ जब गांधी भाई के घर आते थे ना, तो गांधी भाई को इतना आनंद आता था, इतना आनंद आता, वो तो उसकी खुशी तो हमारे समा ही नहीं पाते थे, हर रोज में कैसे सुंदर साहब की सेवा करूं, वही सोचते थे कि नया ही नया तरीका लेकर मैं गांधी भाई से सुंदर साहब की सेवा करूं, तो आज हमें भी वो प्रसंग मिला है, क्योंकि हमें वो अभी तक नहीं दी थी, लेकिन आज धनी ने हमें वो लालदास के माध्यम से आज बाई सती के हस्तकमल से लिखकर
आज हमें वो प्रसंग बता रहे हैं कि हमारे बंगलादेश दरबार ये जुम का वो सजा है, आज उसमें वो सखिया शामिल होने जा रही है जिसकी तो हम कल्पना भी नहीं, ऐसी ऐसी सखिया अभी आगे भी आने वाली है, आगे आने वाली है ना, वो हमें क्या संदेश देगी। कृष्ण भैया तो हमारे लिए वो प्रेरणा स्रोत रहे, हमें रोज ही रोज, हमें तो कुछ बोलना नहीं आता लेकिन हमें इतनी शिक्षा दे जाते हैं कि हम तो उसी में ही पूरे दिन खोजता, हमारा अवगुण ही खोजते रहने, इसीलिए तो हमारे अंदर कौन सा अवगुण है, कौन सा अवगुण है, हमें सुख नहीं मिलता है। तो हमें आज हमारी ब्रह्मवाणी, हमारे लिए तो ये बंगलाजी दरबार में हमारी इंद्रावती सखी न्यायालय के न्यायाधीश बनकर बैठी है और हम सब रूहों को कह रही है देखो आज मैं तुम्हारे लिए खड़ी थी और आज सब सखिया खड़ी होने जा रही है, तो हमारी इंद्रावती सखी भी इतनी खुश रही है, इतनी खुश रही है आज मेरी थी। देखो मेरी संगी सखी जो मैं वनों के अंदर सात वन में संग विहार करती थी और वो भी बनी सके तो मेरी बात करती थी, आज वही न्यायालय में सखिया भी खड़ी होने लगी है और अपने दिल की मीठी मीठी बातें सुनाने जा रही है ना, तो वो बातें सुनकर हमें इतना आनंद आता है। मैं तो कहती हूँ दीदी मुझे रोज बोलने चाहिए ना, तो क्योंकि मेरी प्यारी सखियों की बानी भी मुझे अच्छी लगती है, तो मैं और भी सखियों को सुनू और पूरा दिन उसी में ही डूबी रहू ऐसी कामना। पर हमारी सब झूम में बैठी हुई चरखों में बैठी हुई मेरे प्रीतम से लाडली के दिल में विराजमान कोटि कोटि प्रणाम, और जो रस हमें दे रही है ना, जो जिसके लिए हम धनी ने जो तन चुना है ना, वही सुनी में विराजमान मेरी लाडली सखी के दिल में विराजमान मेरे प्रीतम के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। गलती तो कुछ हो ही जाती है, वो तो मुझे भी अपने संगी अंगना समझ कर क्षमा कर देना, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आपको पता ही नहीं आपके बहाने मुझे क्या मिलता जा रहा है, हम सब सुंदर साथ को क्या धनी देते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि मेरा बहाना बनाकर क्या देते जा रहे हैं, आपका बहाना बना के क्या देते जा रहे हैं। इंद्रावती सखी इतनी मैच्योर, इतनी समझदार, इतनी प्यारी हैं, इधर तो धनी के सामने पता है क्या कहती है, कहती है इनका कोई दोष नहीं है, खेल आपने बनाया, माया का नींद आपने डाला, पर्दा आपने डाला, हुक्म आपका चलता है सारा, हम तो आपके हुक्म के बिना हिल भी नहीं सकती, हमारे पे कोई गुनाह नहीं लगेगा पिया जी। और इधर आती हैं जब हमारे पास, सारा दोष तुम्हारा ही है, तुम ये क्यों नहीं करती कि वो हमारी मांगे पूरी कर दे, तुम ये क्यों नहीं करती कि वो दर्शन दे दे, इस प्रकार से प्रबोधित करती है कि रीझ जाए मत, इंद्रावती सखी भी रीझ जाए, उनके अंदर बैठे मूल स्वरूप जो आवेश स्वरूप में यहाँ आ गए हैं ना, उन पे ही रीझ जाए, तो सुंदर साथ जी वहां धनी कितने प्यारे होंगे, कितना प्यार हमसे करते होंगे, कितना प्रेम, जितना यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई कितना भी कर ले कितने दिन कर लेगा सुंदर साथ जी, कितने दिन, और वो इतने साल से बैठे हुए हैं, इससे कोशिश कर लेता हूँ, ऐसे कोशिश कर लेता हूँ, ऐसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, बहुत प्यार करते हैं सुंदर साथ जी, उनके बिना कोई और नहीं है। प्रणाम जी तनेजा अंकल, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सोचा आज ही नहीं लगेगी तो दिन अच्छा नहीं देगा। बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम, बहुत सुंदर सुंदर मन के भाव सुनने को मिल रहे हैं, और आज का प्रसंग भी गांगी भाई का, देवचंद जी का, देवचंद जी का गांगी भाई के घर जाकर चर्चा करने का जो भाव है, मैं एक मन के भाव तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, मैं कोई दोहरा नहीं, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम अपने मन में ये विचार करें कि आज के प्रसंग से मैंने क्या सीखा, वो बहुत जरूरी सुंदर साथ। मन के भाव, किसी ने बहुत अच्छा बोला, किसी ने बहुत अच्छा गाया, ये तो है ही सी हमारे मन का, वो तो हमारा सुंदर साथ के प्रति प्रेम है, लेकिन जो सदगुरु देवचंद जी के प्रति प्रेम है, जो गांगी भाई के प्रति प्रेम है, उससे मुझे क्या प्रेरणा मिली, क्योंकि बीतक सारी प्रेरणा है, बीतक सारी हमारी सिखापन है, बीतक हमें पूरी राह दिखाती है, बीतक हमें संघर्ष करना सिखाएगी, बीतक हमारा अहंकार मिटाएगी, बीतक हमें प्रेम करना सिखाएगी। तो
तो जो जो हमने सीखा कहीं पर उसको भी हम अंदर डालने का या करें प्रयास, तो मन के भाव और भी सुंदर हो जाएंगे। ये मेरी मन की भावना है इसी। और दूसरी बात कि आज गांगी भाई का देखिए कि कितना उनका समर्पण है सतगुरु देवचंद जी के प्रति, कि उनको अपने घर ही लेकर आ गए। कितने सुंदर साथ हैं जो जिनके घर में चार या आठ सुंदर साथ एकदम आ जाएं तो वो खुश होते हैं। यहाँ पर तो उन्होंने पूरी जमात ही इकट्ठी कर दी, और किसके लिए? स्वार्थ, अपना स्वार्थ थोड़ी था उनका, हम सबको भी तो ले जाकर सतगुरु देवचंद जी के दर्शन कराए उस चाकला मंदिर में अपने घर। तो ये बहुत बड़ी एक सिखापन है हमारे लिए कि सुंदर साथ के चरण घर में पड़े तो फिर वो चाकला मंदिर ही बन जाएगा। और एक जो हम लोग बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं, वाणी चर्चा में सुनते हैं, घर में अगर महीने में एक बार एक सत्संग करें। अब कई बार प्रश्न आता है कि सत्संग में तो सुंदर साथ आते ही नहीं है, आते हैं तो प्रवाही होते हैं, तो क्या हुआ? मैं तो कहता हूँ कि अपने पड़ोसी को बुलाओ और वो उसको कौन चालीसा गाए, शिव पुराण गाए, कृष्ण के भजन गाए, और उसके बाद आप अपनी बात कहो, फिर देखो कैसे उसके ऊपर सुपर बोल जाएगी। आया तो सही ना कम से कम, क्योंकि सतगुरु देवचंद जी भी बड़े खुश होते थे कोई किसी को लेकर आए, है ना। तो क्योंकि हमने ये बात सुंदर साहब को कहनी है कि ये सुखदेव वशिष्ठ को तो हमें अंगनार है ना, आप कही अपने साथ को जो खुले तुझे वचन, शुद्ध नहीं कछु साथ को, तो पड़ोसी को तो शुद्ध नहीं है, वो तो मूर्ति पूजा कर रहा है, तो आप अपने द्वारा उनको घर में बुलाकर एक बार हमें ये भी प्रयास करना चाहिए। अभी तक हमें ये भी सीखिए कि अगर गांगी भाई अपने घर में देवचंद जी को ला सकते थे तो हम क्यों नहीं सुंदर साहब को बुला सकते। बैठे बैठे चर्चा करें, बातें करें, पहले उसकी सुने। पूरी बीतक के अंदर मैंने जो सीखा महामती प्राणला जी के माध्यम से कि यू शुड हैव कैपेसिटी टू लिसन, सुनने की कैपेसिटी होनी चाहिए। एक एक महीना उन्होंने सुना, तो हमें भी सुनने की कैपेसिटी होनी चाहिए। सुंदर साहब को बुलाएं, लोगों को बुलाएं, प्रणामी, गैर प्रणामी तो कोई भी नहीं है, जिसके अंदर जीव है, जिसके अंदर आत्मा है, जो प्रणाम करता है वो प्रणामी है। कोई तारतम मंत्र लिया जरूरी नहीं है, तारतम मंत्र तो बीज मंत्र तो बाद में डलेगा, पहले आप हम उसकी धरती को तो तैयार करें। तो ये आज मेरा मन का भाव था। और राजी से मैं पूछ रहा था बार बार कि चौपाई बताओ, दो तीन बार खोला नहीं समझ में आई, तो फिर मैं तैयार होने लग गया। अब जो राजी ने कहा है कि ये खिलवत ग्रंथ का कलश पंच रोशनी का पहली चौपाई है, हे रूह करे ना कुछ अपनी, ये तो उर्जी उत्तम उम्मत माँ है, उम्र गई गुण सिफत में तो हे अंजू इश्क आया ना है, हक सिर पर इनविद खड़े, हक सिर पर इनविद खड़े, देखत ना हक तरफ। ये हमारे लिए कह रहे, देखत ना हक तरफ, जो स्वाद लगे महबूब का। अब ये स्वाद लग रहा है बीतक के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, मन के भाव के माध्यम से, जो स्वाद लगे महबूब का तो मुख ना निकसे एक हरफ। कभी कभी वाणी चर्चा बोलते हुए आंसू भी आ जाते, एक हरफ भी नहीं करता, क्यों? उसका स्वाद लग चुका अंदर, वो एक रस हमारे अंदर चला जाता है। तो ये बीतक हमारे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। हम अपने मन के भाव में, मैं तो कहता हूँ डायरी में लिखें, अगर ये बीतक एक साल चलती है तो 365 पॉइंट होने चाहिए मेरे पास कि ये मैंने सिखापन की, वो लिखा होगा ना, तब हम अपनी पहचान अपने आप कर पाएंगे कि रे रूह तू कहाँ खड़ी है। 365 लिखे, तू 3 पे खड़ी है या 36 पे खड़ी है, 365 पे खड़ी है। तो ये एक मन के भाव थे। मैं बहुत ज्यादा बीतक वाणी चर्चा मुझे नहीं आती, लेकिन कुछ निकल रहा था, टाइम लग रहा था, निकल नहीं पा रहा था, तो अभी आया तो आपके सामने मैंने दो शब्द रखे। सब सुंदर साहब को मेरा प्रेम प्रणाम। बहुत सुंदर सुंदर भाव सुनने को मिलते हैं वाणी गायन। अर्जी दुष्यंत भैया तो वैसे भी मेरे शब्दों में तो एनसाइक्लोपीडिया है, एनसाइक्लोपीडिया में सब कुछ होता है, तो एनसाइक्लोपीडिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तनेजा अंकल, आपके सुने बिना हमारा भी ये सेशन पूरा नहीं होता है, तो आपके हृदय में राजी जरूर लाएंगे और हमें ऐसे ही प्रैक्टिकल रहने के उदाहरण देते रहेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। और सुंदर साथ जी, रहनी में रोज चेक करके उतारते जाना है इसको, क्योंकि अब कहनी सुननी का दिन, उसको रटने का दिन चला गया, अब उतार के हृदय में बसाना है पिया जी को। हाँ जी, सुनीता दीदी, प्रणाम जी।
प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साहब जी। तनेजा जी ने एक दिन बोला था कि सब सुंदर साहब को मौका दीजिए, तो मैंने भी सोचा मैं कब तक गूंगी बनी रहूंगी, 2 साल से जूम में बैठी हूँ तो गूंगापन अभी हटाना ही पड़ेगा ना, तो थोड़ी थोड़ी चेष्टा करती हूँ। धनी का थोड़ा सा, धनी ने थोड़ी सी प्रोत्साहित किया है, बहुत अच्छी लगी ये बात कि, और एक शिक्षा जो मिली है, जैसे लीलबाई जी ने कचरा पकड़ के बैठ गई थी कि सबको दर्शन देके जा दूंगी, तो वही असर आपने पकड़ा हुआ है कि जितनी भी जोन की खिड़कियों में सुंदर साथ बैठे सबको दर्शन दो, सबको धाम के धाम धनी के दर्शन करवाओ, सबको परम धाम का ज्ञान दो। और मुझे यही शिक्षा मिली है कि धनी जो मेरे को देंगे वो मैं अपने सब सुंदर साथ को उसमें बांटूंगी। ये याद मेरे को लीलबाई जी की इससे शिक्षा मिली है कि जो लीलबाई जी ने असरा पकड़ा है कि सबको दर्शन दो धनी जी, तो इससे यही शिक्षा मैंने ली है कि जो मेरे को निधियां धनी जी देंगे जैसे भी देंगे वही मैं अपने सुंदर साथी बांटती ही चलूंगी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर सुनीता दीदी, आपके हृदय में विराजमान धनी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अति सुंदर आप जरूर बोला करो दिल के भाव। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, जयकारा लगाते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।